नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं पंकज जैसल कॉमर्स एफआर। इस साल 12th स्टैंडर्ड की बोर्ड की एग्जाम देने के बाद बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वडोदरा सिटी के हो या फिर अदर सिटी से हो या फिर गुजरात स्टेट के बाहर से हो, उनको MS यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है और कौन से डिपार्टमेंट में कौन से फील्ड में लेना है। खास करके हम बात करेंगे BCA बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन और BBA बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इस दो फील्ड में एडमिशन लेने के लिए स्टूडेंट्स को जो गाइडलाइंस पता होनी चाहिए, उनके पास प्रॉपर गाइडलाइंस होती नहीं कि एडमिशन लेने के लिए प्रोसेस क्या होता है। तो मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता दूं, जो स्टूडेंट्स फ्रेशर्स हैं और वो आफ्टर 12 रिजल्ट के बाद BCA और BBA में अप्लाई करना चाहते हैं इन MS यूनिवर्सिटी, तो BBA और BCA में जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो कंपलसरी होती है, कॉमन होता है। जो एंट्रेंस एग्ज़ाम BCA में भी आपको देना होता है और BBA के कोर्स के लिए भी देना होता है। एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद यूनिवर्सिटी की तरफ से क्राइटेरिया डिक्लेयर किया जाता है। सभी स्टूडेंट्स का जो मार्क्स क्राइटेरिया होता है एंट्रेंस एग्ज़ाम में, उनको क्या मार्क्स मिले हैं, तो उसका जो एक प्रॉपर जो स्कोर कार्ड होता है वो डिक्लेयर किया जाता है। उस स्कोर कार्ड के बिहाफ पर जो स्टूडेंट्स अपीयर करते हैं एडमिशन के लिए, उनको यूनिवर्सिटी की तरफ से एडमिशन के लिए उनको ऑफर लेटर दिया जाता है। उनको टेक्स्ट मैसेज के थ्रू से उनको मैसेज भेजा जाता है कि वो लोग अपीयर हो चुके हैं और वो लोग अपनी फ़ीस भर दें। अगर वो लोग क्राइटेरिया में आते हैं तो नॉमिनल फीस पे में भी BCA और BBA में सीट है और हायर पेमेंट में भी BCA और BBA में सीट है, लेकिन एंट्रेंस एग्ज़ाम कंपलसरी है BBA और BCA के लिए। तो ये थी BBA और BCA की एडमिशन प्रोसेस की जानकारी। आने वाले समय में इसके फॉर्म कब पास आउट होंगे, कब फॉर्म निकलेंगे जिससे स्टूडेंट्स फॉर्म फिल कर सकेंगे, और उसके बाद जो उनकी एंट्रेंस एग्ज़ाम होगी वो कब होगी, तो इसकी भी जो डिटेल है हम ऑल गुजरात स्टूडेंट्स यूनियन AGS तथा मेरे द्वारा सभी स्टूडेंट्स को दी जाएगी। और ये जो वीडियो है, मैं सभी जो फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं, न्यू स्टूडेंट्स हैं जिनको BBA और BCA करना है इन MS यूनिवर्सिटी, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सके ताकि सभी स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है कि BBA और BCA का प्रोसीडर वो क्या होता है। तो ये एंट्रेंस एग्जाम जो है ये कंपलसरी होती है, तो सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो नेक्स्ट की इन्फॉर्मेशन होगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में आप सभी स्टूडेंट्स को पता चल जाएगी। नमस्कार।